लाइव वीडियो बंद कर दिया गया था, मैं नहीं जानता क्यों। कौन हमारी आवाज दबाना चाहता है कुछ नहीं पता, लेकिन जो हम दिखाना है वो दिखा के रहेंगे। ये देखिए हालात, लाइव रोका गया लेकिन फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मेरे भाई मेरे साथ हैं। ये देखिए उधर देखो उधर, ये देखिए हालात गौंश का, हजारों की तादाद में गाय काट दी गई है, हजारों की तादाद में। और ये यहाँ नहीं रुक रहा है, ये देखो ये खाल निकली हुई है। ये खालों के ढेर हैं जो गौ माता से उतार उतार के यहाँ पे एकत्र करी गई हैं, निर्मम हत्या करके उनकी। ये हालात है, कोई मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। ये एक टेंट सा लगा रखा है इन्होंने, कोई बड़ा न्यूज चैनल दिखाने को तैयार नहीं है, कोई यहाँ पहुंचने को तैयार नहीं है। ये देखो हालात, ये ढेर लगे हुए हैं और ये यहाँ नहीं रुके, बहुत लंबा रास्ता है और पूरा भरा हुआ है। ये देखिए ये हालात देखिए, ये भयावह स्थिति, हजारों की तादाद में गाय काट दी गई है, हजारों की तादाद में। ये गुड़गांव फरीदाबाद रोड पाली में क्रेशर जोन में हजारों की तादाद में गाय काट दी गई है, हजारों की। ये देखिए, ये देखिए हालात, ये काट दिए गए हैं और ये पता नहीं कहां तक पहाड़ में फैला हुआ है। ये पूरे पहाड़ में फैला हुआ है, ये पूरे पहाड़ में। ये देखिए ये हालात देखिए, ये संघार देखिए, ये सब बच्चे हैं, नवजात बच्चे। देखिए संघार देखिए किस तरीके से मारा गया है। ये देखिए कोई प्रशासन नहीं है, जहाँ गाय को माता मानने वाले लोग नेता तक अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। प्रशासन को जब यहाँ पे खबर दी गई, अब तक गायों को गड्ढा खोद के दफनाने तक का इंतजाम नहीं किया गया। देखिए हालात, ये देखिए हालात, पूरी खान भरी हुई है पूरा। और ये जहां तक नजर जा रही है इस पहाड़ के ऊपर, वहां पे सिर्फ गौंश ही गौंश है, सिर्फ गौंश ही गौंश है भाई। ये देखिए हालात, ये वो बच्चे हैं जो गाय माता के पेट में थे, उनको भी नहीं बख्शा गया, निकाल के उनकी भी खाल निकाल ली गई। ये हालात है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई भी नहीं। आप सब जो भाई आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस लाइव को देख रहे हैं, इस लाइव को कम से कम उन लोगों तक पहुंचाएं जो हिंदुत्व की बात करते हैं, ठेकेदारी की बात करते हैं, जमीन के ऊपर कुछ नहीं। आज अगर हम लोग यहां पहुंच सकते हैं तो क्या प्रशासन और पुलिस नहीं पहुंच सकती थी? FIR जरूर हुई है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं है। इन गौ माता के जो अंश यहां पड़े हैं, आगे स्थिति इससे भी ज्यादा खराब है, नहीं दिखा पाऊंगा आप लोगों को। जो यहां पड़े हैं उनको गड्ढा खोद के दबाने तक का इंतजाम नहीं है मेरे भाई यहां। अगर आप देखना चाहते हैं मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो हजारों की तादाद में, ये देखिए हालात, ये हालात देख रहे हैं आप, ये देखिए हालात, ये गिद्ध उड़ रहे हैं, देखिए हालात। और आज क्या हम अपने सनातन धर्म के लिए, अपनी गौ माता के लिए इस वीडियो को क्या माननीय प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचा सकते? माननीय गृह मंत्री तक ये वीडियो नहीं पहुंच सकता? आप सब भाइयों के योगदान से कोशिश कीजिए, पहुंचेगा, वो लोग देखेंगे, उनका फर्ज है देखना, उनको चुना गया हिंदुत्व को बचाने के लिए, इसीलिए ही चुना गया है। ये मंजर देखिए, पहाड़ के नीचे तक जहां तक नजर जाएगी, पहाड़ के कोने से भी आपको दिखाता हूं। देखिए हालात, नीचे तक देखिए ढेर लगा हुआ है, नीचे तक सारे पहाड़ पे ढेर लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। ये आप सबके सामने है, हजारों लाखों की तादाद में गौंशों को मार दिया गया, मार दिया गया, मार दिया गया। और मात्र मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर 500 मीटर अंदर। ये हमारे साथ भाई जो इस जंगल में अपनी जान हथेली पे लेके यहाँ दिखा रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। हालात पहाड़ के नीचे और दिखाएं, देखना चाहते हैं? ये देखिए, देखिए हालात, कोई सुनने वाला नहीं। क्या इन गौ माता को अंतिम विदाई इनके सम्मान के साथ नहीं मिलनी चाहिए? क्या इनकी रक्षा नहीं की जानी चाहिए थी? ये पूरा पहाड़ इसी से भरा हुआ है, देखिए
पूरा पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ है, जहां तक नजर जाएगी, जूम करके दिखाता हूँ, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ गौ माता के कंकाल ही कंकाल है, जहां तक नजर जाएगी गौ माता के कंकाल ही कंकाल है, कंकाल ही कंकाल है मेरे भाई, कंकाल ही कंकाल है। आज हम यहाँ खड़े हैं जमीन के ऊपर, बहुत मतलब मैं आपको स्थिति नहीं बता सकता, इतनी भयावह स्थिति है, इतनी भयावह स्थिति है कि छोटे दिल का आदमी या कमजोर दिल का आदमी हर हार्ट फेल से मर जाएगा जो यहाँ के